आज लखनऊ में भाजपा कार्य समिति की बैठक हुई जिसमें कई तरह की रणनीतियां बनाई गई। भाजपा कार्य समिति की बैठक में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह सैनी के साथ भाजपा के प्रदेश पदाधिकारी शामिल रहे, जिसमें लोकसभा चुनाव 2024 समेत कई रणनीतियों पर चर्चा की गई। साथ ही राष्ट्रीय कार्यकारिणी के फैसले पर चर्चा की गई, जिसमें फैसलों को लागू करने की रणनीति बनी और जिला स्तर पर संदेश देने का प्लान बनाया गया। साथ ही मिशन 2024 के लिए व्यापक प्लान तैयार किया गया और पीएम मोदी के निर्देशों पर चर्चा की गई। 2024 लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए कई प्रस्तावों पर मुहर भी लगाया गया। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने साफ किया कि 9 राज्यों के आगामी विधानसभा चुनावों और लोकसभा चुनाव में जीत के प्रति पार्टी आश्वस्त है। गुजरात चुनाव में पन्ना समिति बनाई गई, उससे सफलता मिली है जिसे भाजपा आगे बढ़ाएगी। साथ ही कार्यकारिणी की बैठक में युवाओं को जोड़ने की भी बात की गई। एजेंडा तय करने के लिए जो जो अलग प्रस्ताव आएंगे उन सारे विषयों को कार्य सूची को फाइनल करने के लिए आज हम लोग पदाधिकारी बैठक में बैठे। यूपी के 4 शहरों में G20 की 11 बैठकें होनी है, जिसमें जन सहभागिता बढ़ाने के लिए आज पूरे यूपी ने वॉकथॉन किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगरा, वाराणसी, लखनऊ और गौतम बुद्ध नगर में आयोजित G20 वॉकथॉन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान सीएम के साथ डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी मौजूद रहे। सीएम योगी को G20 का लोगो युक्त झंडा सौंपा गया। इसके बाद उन्होंने इस वॉकथॉन को झंडा दिखाकर रवाना किया। इस वॉकथॉन में हजारों की संख्या में स्टूडेंट, एनसीसी कैडेट्स और स्थानीय लोग शामिल हुए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस दौरान 519 लाख की लागत से केडी सिंह बाबू स्टेडियम में G20 बहुउद्देशीय क्रीडा हॉल का शिलान्यास भी किया। इस अवसर पर सीएम योगी ने कहा कि यूपी के 4 शहरों में G20 की जो 11 बैठकें होनी हैं, उनमें जन सहभागिता बढ़ाने के लिए ये आयोजन हो रहा है। 20 बड़े देश G20 के नाम पर जाने जाते हैं और दुनिया के उन 20 बड़े देशों का नेतृत्व आज उत्तर प्रदेश को प्राप्त हुआ है। इस दिशा हम सबके लिए गौरव की बात है। 13 फरवरी से 15 फरवरी तक G20 की बैठक होने वाली है, जिसमें 19 देशों के प्रतिनिधि भारत आएंगे। मुख्यमंत्री महोदय आनंदित हैं, आप सब आनंदित हैं, ये उल्लास के क्षण हैं। गंगा विलास क्रूज की सफलता के बाद उत्तर प्रदेश सरकार प्रदेश में नदियों के जरिए पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने की योजना बना रही है, जिसके तहत गंगा, गोमती और सरयू नदी में क्रूज चलाए जाने की योजना है। इतना ही नहीं, सरकार के नए 5 सितारा होटल भी बनाए जाने की योजना है, जो लखनऊ, अयोध्या, वाराणसी समेत यूपी के कई प्रमुख शहरों में बनाए जाने हैं, जिसके लिए ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में पहले पर्यटन विभाग को अब तक 37,000 करोड़ के निवेश प्रस्ताव मिल चुके हैं। इसमें 15,433 करोड़ से 214 होटल निर्माण के प्रस्ताव हैं, तो 4,512 करोड़ के निवेश से 57 रिसॉर्ट बनाए जाएंगे। साथ ही 680 करोड़ से 16 इको टूरिज्म प्रोजेक्ट बनेंगे, 441 करोड़ से 10 रिवर क्रूज प्रोजेक्ट बनने वाले हैं, तो 173 करोड़ से 10 योग वेलनेस सेंटर बनाए जाने का भी प्रस्ताव है। 150 करोड़ से थीम पार्क बनाए जाएंगे, तो एमिनिटीज प्रोजेक्ट के लिए 500 करोड़ के निवेश का प्रस्ताव है। ये वही गुप्तार घाट है जहां क्रूज चलाने का प्लान तैयार किया जा रहा है। यह क्रूज आधुनिक सुविधाओं से लैस होगा और यह क्रूज गुप्तार घाट से चौधरी चरण सिंह घाट तक, यानी कि सभी रामायण कालीन स्थलों का भ्रमण भी कराया जाएगा। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 से पहले उत्तर प्रदेश के पर्यटन विभाग ने देश विदेश की कंपनियों से 431 MOU साइन किए हैं और अनुमान लगाया जा रहा है कि इस पूरी कवायद में 1.25 लाख से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।